चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देहरादून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार हैं, जिससे दिशा निर्देश तमाम तरह के जारी किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कर्मचारियों को इमरजेंसी के लिए भी अलर्ट रहने के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, देहरादून का स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और डॉक्टर भी तैनात रहेंगे। साथ ही अन्य जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनको भी सतर्कता बरतने के निर्देश यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं। दीपावली के त्यौहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तमाम तरह की सख्ती के साथ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आतिशबाजी के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटने के लिए भी देहरादून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के कर्मचारी तैयार रहेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को इमरजेंसी के लिए भी अलर्ट रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, हालांकि हर बार की तरह हम देखें इस बार भी काफी सतर्कता, लेकिन क्या कुछ प्रमुख तौर पर इस बार दिशा निर्देश दिए गए हैं और कितनी संख्या में जो है कर्मचारियों की तैनाती की गई है? दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में छुट्टी सभी को चाहिए रहती है, लेकिन क्या सभी कर्मचारियों को हायर लेवल से लेकर निचले स्तर तक के सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो है तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं? जी पूनम, देखिए दीपावली का त्यौहार है, बड़ा पावन त्यौहार माना जाता है इसको लेकर, परंतु जिस तरीके से अगर बात करें आतिशबाजी की और तमाम लोग जो है नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ये जो तमाम चीजें होती है इससे कहीं ना कहीं जो है दुर्घटनाएं जरूर होती है। खास करके आतिशबाजी की अगर बात करें तो उससे कहीं ना कहीं जो है आगजनी के केस काफी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसको लेके जो स्वास्थ्य विभाग है तो वो जो है यहाँ पे अलर्ट मोड पे है कि कोई भी आदमी अगर झुलस जाता है या बर्न हो जाता है उसके लिए इमरजेंसी सुविधाएं जो है तमाम यहाँ पे मुहैया कराई गई है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो नर्सिंग स्टाफ है, उनको बाकायदा अलर्ट मोड पे रहने के जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और स्पेशल वार्ड को जो है यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो दी गई है, वो वार्ड जो है बिल्कुल दीपावली के लिए जो है अलग से तैयार किया गया है, जहाँ लगभग जो है 10 से 15 बेड जो है वो लगातार खाली पड़े हुए हैं और इनको जो है निगरानी में रखा गया है। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो तमाम अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी से लेके फायर तक है, वो तमाम लोग जो है इस समय अलर्ट मोड पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और बाकायदा जो है जो जिलाधिकारी है वो यहाँ पे बाजारों के भी चक्कर लगा रही है, निगरानी कर रही है, लोगों को दिशा निर्देश दे रही है कि अनावश्यक आप आतिशबाजी का यहाँ पे उपयोग ना करें और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहाँ आतिशबाजी की दुकानों को जो प्रतिबंधित कर दिया गया। ये पूनम बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से आपने आतिशबाजी की यहाँ पर बात की, आतिशबाजी को लेकर समय को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है? ये देखिए पूनम, यहाँ पे हर साल होता है, वैसे अभी जो है कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आई है। हालांकि जो है जिलाधिकारी ने जरूर कहा है कि 10 बजे के बाद से जो है यहाँ पे दुकानें नहीं लगेंगी और जितनी भी आतिशबाजी होगी वो 12 बजे के बाद से जो है प्रतिबंधित कर दी गई है कि उसके बाद कोई भी आतिशबाजी ना छड़ाए, क्योंकि पॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे जो लोगों के सोने में, लोगों के उसमें खलल पड़ता है और जिस तरीके से लोग अपनी दुकान बढ़ाकर आते हैं और बाद में आतिशबाजी करते हैं उससे कहीं ना कहीं हादसों को जो है यहाँ पे दावत देने की बात जरूर की जाती है। ये पूनम जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अवनीश। तो बिल्कुल ये गाइडलाइन यहाँ पर कह सकते हैं जारी की गई, तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और अपने सभी स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। अगर कभी कोई अप्रिय घटना घटित होती तो उसके लिए ऊपर लेवल से लेकर निचले स्तर तक के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश तमाम तरह के जारी कर दिए गए हैं।